बहुत दिनों के बाद मैं वैक्सिंग कर रही हूँ यार। मैं तो इतना दर्द सहते सहते फाइनली वैक्सिंग पूरी हुई। तो देखो मेरे हाथों की वैक्सिंग जो है वो हो गई है। ये देखो कितना बड़ा कुरियर एक मिनट का मेरे एक फैन ने ये कुरियर भेजा है। थैंक यू सो मच। इसको घर पे जाने के बाद मैं अनबॉक्स करेंगे। थैंक यू तेजस। थैंक यू। अरे मैं तो ये गिफ्ट को अनबॉक्स करना भूल ही गई। चलो फटाफट इस गिफ्ट को अनबॉक्स कर देते हैं। इसमें ना कुछ तो भी बहुत हैवी लग रहा है। देखो क्या हो सकता है यार इसमें, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है इसको खोलने की। तो काव्या को हमने फर्स्ट गिफ्ट, जैसे कि मैंने ड्रेस दिया उसको और बाकी के गिफ्ट उसको है ना उसकी मम्मी देने वाली थी, तभी मेरे को दे दिया काम उन्होंने सेकंड गिफ्ट का। और सेकंड गिफ्ट है आईफोन 14। आप सबको पता है ये गिफ्ट कहाँ से आया है? ये गिफ्ट अकलूत सोलापुर से आया है और ये गिफ्ट मुझे तेजस ने भेजा है। थैंक यू सो मच तेजस। चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। अब मेरा मिशन ये है कि मेरे को जाना है, आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदना है और लेके आना है। आओ मम्मी हम दोनों मिलके इस बॉक्स को खोलते हैं। आजा आजा। मम्मी और मैं हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और सबसे मुश्किल पार्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने का ये है कि ना ये सबका ना मुझे वीडियो भी बनाना है, मतलब शूट भी करके लाना है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। वैसे मैंने तो उसको बोला, काव्या की मम्मी को बोला मैंने कि आईफोन 14 प्रो मैक्स देना है ना तो तू खुद ही दे देना, तू खुद ही जा और खरीद के ला ले और दे दे, लेकिन नहीं। चलो करें अभी हम इसको अनबॉक्स। वैसे सब हमने खोल लिया है, बस इसको निकालना बाकी है। 1 2 3। मम्मी क्या लगता है आपको क्या है ये? पता नहीं, खोल कितना पैकिंग है। हां ना कितना सारा पैकिंग है देखो। 1 2 3। अरे 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 इसमें तो अरे गिफ्ट है देखो। कितना बड़ा गिफ्ट है देखो। ये तो एक गिफ्ट है लेकिन इसके अंदर है ना एक और गिफ्ट है। तो सबसे पहले ना हम ये वाला गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। ओके तो अकेले जाने से अच्छा है मैं मेरे फ्रेंड को भी साथ में लेके जाऊँ, तो कम से कम वो तो भी शूट कर लेगा, क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ के शूट करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा। काव्या कैसे शूट कर लेती, कैसे बात कर लेती इतने फ्लुएंटली, नेक्स्ट लेवल है। बहुत बहुत मुश्किल है ऐसा, बहुत डेयरिंग लगती है और बहुत मुश्किल ऐसे, मतलब नहीं क्या हाथ में से कैमरा पकड़ के पब्लिक प्लेस में इसे बस शुरू हो जाना बातें करते हुए, बहुत मुश्किल है। इस पे क्या लिखा है चलो हम लोग पढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो, हैप्पी बर्थडे काव्या मैम फ्रॉम साक्षी बिसे। थैंक यू सो मच साक्षी। चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। मम्मी थोड़ी हेल्प करो मेरी। देखो मुझे ना गिफ्ट अनबॉक्स करना बहुत पसंद है। ये आ गया मेरा जोड़ीदार, अभी हम जाएंगे मॉल में और लेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स, देखेंगे कौन सा कलर में लेने का है। आगे हम मॉल के अंदर, हमारे शहर का इकलौता मॉल है ये, एक ही मॉल है बड़ा। चलो अभी है ना नेक्स्ट वाले ये गिफ्ट ओपन करते हैं। ओके वही कुछ तो भी हैवी लग रहा है इसमें। देखो थोड़ा सा देखो तो मम्मी मुझे समझ में आया क्या है। क्या है क्या है? रुको मैं अनबॉक्स करते हैं इसका।
को. थैंक यू तेजस, हैप्पी बर्थडे काव्य मैम एंड दिस गिफ्ट फ्रॉम तेजस एंड साक्षी. थैंक यू सो मच तेजस एंड साक्षी. ये चिकू बेबी के लिए भी है वैसे. वो तो नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगी. फाइनली मैंने 6 महीने उनको ना वेट करा के रखा, जब कब से लॉन्च हुआ है कब से मैंने उनको वेट करा के रखा, लेकिन फाइनली उन्होंने मन बना ही लिया आईफोन 14 लेना ही है. भाई का भैया कलर अवेलेबल है 256 GB. तो सबसे पहला ना ये चॉकलेट्स का उद्घाटन है ना मैं ही कर देती हूँ, नहीं तो कृष्णा उठ जाएगा ना, उसको पता लग जाएगा तो वो सब चॉकलेट खा लेगा. चलो इसका अनबॉक्स करते हैं. उसको जरूरी इसलिए हम ले लेते, इतना कोई ऐसा टेंशन लेते नहीं उसका. बट शी विल बी सो हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस आईफोन. 16 बर्थडे के लिए उसको ना 16 गिफ्ट टोटल देने के, तो ये सेकंड गिफ्ट है. अभी 14 गिफ्ट अभी और बाकी है उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या क्या है. वो गिफ्ट के चक्कर में मेरे को लग रहा है मेरा घर बिक जाएगा अभी. बट एवरी टाइम ही गिव्स सो मेनी अमेजिंग सरप्राइजेस टू हिज डॉटर. खुश हो जाएंगे. चलो अभी है ना ये चॉकलेट के डिब्बे को ओपन करते हैं. हाय कितने सारे चॉकलेट हैं. So finally iPhone. Bolo. काव्या का पर्पल कलर फेवरेट में आईफोन ऑन करूँ क्या. सो आईफोन 14 प्रो मैक्स काव्या के फेवरेट कलर पर्पल में उसको गिफ्ट करेंगे. यस शी विल बी सो हैप्पी. स्विच ऑफ कैसा होता है, स्विच ऑफ कैसा होता. मैं ही बहुत खुश है उसको ये देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए. पैसे जाते हैं लेकिन एक खुशी रहती है. हाँ और एक बात मैं बोलना चाहता कि जैसे काफ़ी सारे फैमिलीज हमारे घर पे आते हैं, मतलब वो बोलते कि आप है ना, मतलब काव्य को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो उनके बच्चे भी कभी कभी है ना डिमांड करते कि नहीं क्या काव्य को देखो कितने गिफ्ट मिलते हैं. काव्य को सिर्फ वही गिफ्ट मिलते हैं जो उसको मतलब है ना असेंशियल चीज़ें उसकी, जैसे उसको हर महीने कपड़े लगते उतना ही हम उसको दिलाते हैं. ये फ़ोन उसके लिए असेंशियल चीज़ है, ऐसा नहीं मतलब कि 1.5 लाख का आईफोन दे दिया, नहीं उसके लिए ना ये असेंशियल चीज़ है, ये उसके काम में आती है चीज़, इसीलिए हम उसको ना ये गिफ्ट दे रहे हैं. उसके लिए ना मतलब ना एक ऐसा है कि सिर्फ आईफोन नहीं है उसके ना, ये काम की चीज़ है, इसलिए मैं ना जो भी मतलब बच्चे देखते हैं ना, तो आप लोगों ने ना ऐसे जिद नहीं करना मम्मी पापा के साथ में कि देखो काव्या को ऐसा गिफ्ट मिला वैसा तो हमें भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल जिद नहीं करना, क्योंकि काव्या के लिए जो भी असेंशियल रहता वही हम उसको देते. सो अब ये आईफोन 14 प्रो मैक्स काव्या को हम सरप्राइज देंगे कल सुबह कॉलेज से आने के बाद में. मतलब सिर्फ एक ही दिन बचा है मेरे और चिकू बेबी के बर्थडे के लिए और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ. पता नहीं कल क्या क्या होगा और आज भी पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मम्मी और पापा है ना कुछ प्लान कर रहे थे, मैं बस ऐसे ना चुपके से सुन लेती हूँ. यार मुझे मतलब है ना सुनने के बाद में ऐसे एक्साइटमेंट होती है ना कि अभी क्या होने वाला है क्या होने वाला है. यार ये एग्जाम को भी मेरे बर्थडे के टाइम ही आना होता है, कि एग्जाम की वजह से सारी जो एक्साइटमेंट होती है ना वो कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं एग्जाम देना भी ज़रूरी है. और आज मुझे ना पापा छोड़ने के लिए आने वाले हैं, मैं जल्दी से जाके पापा को उठा के आती हूँ. पापा उठे नहीं क्या, उठो भला जल्दी से उठो. चिकू बेबी सोया हुआ है, वो बर्थडे है कल तेरा चिकू. देखो ना मम्मी पता नहीं सुबह सुबह क्या कर रही है. मम्मी क्या कर रहे हो, रुको मैं नीचे आ रही. ये देखो मेरी मम्मी पूरा कलर का पानी डाल रही है. हाय मम्मी. हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कल रामनवमी है इसलिए ना. और कल बर्थडे भी है तेरा. हमारा बर्थडे भी एक त्योहार की तरह ही है चिकू बेबी का और मेरा बर्थडे.
तो देखो मैं ना नहा के आ गई हूँ और विदाउट एनी मेकअप देखो मेरी स्किन कैसे दिखती है। तो चलो फाइनली मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा ये दूध की बॉटल ये तो मैंने चीकू बेबी के लिए ली है क्योंकि चीकू बेबी भी हमारे साथ चल रहा है ना अभी दूध पिएगा फिर वो क्यों धक धक करता है दिल ये तुझ पे ही मरता है दिल तुझको ही चाहे बार बार तेरे दीवाने हुए यार हम तो दीवाने हुए यार। तू गा अभी Now I will explain दिल क्यों धक धक करता है। दिल इज मेड टू पंप ब्लड इन बॉडी और उसका ना इसे प्यार से ना इसे लेना देना नहीं है उसका। पापा आप और चिक्कू और मम्मी आना मेरे को लेने। हाँ ठीक है जा। अच्छा लिख बोला क्या पेपर? हाँ हाँ लिखूंगी एकदम अच्छा। हाँ नहीं तो वहाँ पे 15 गिफ्ट के नाम लिखते बैठेंगे। नहीं नहीं अब दो फिर नहीं लिखूंगी। क्या आज फिर से आई कार्ड बोले क्या? अरे और हाँ ठीक है जाने तो मेरे को रोल नंबर पता है ना अंकल। आप कैसे हो? क्या यार आज मेरे को लेट हो गया और आज भी मैं ना अपना आई कार्ड भूल गई लेकिन कोई बात नहीं मेरे को अपना रोल नंबर पता है ना तो मेरे को बैठा देंगे सीट पे। अगर पी के गाड़ी चलानी है ना तो फिर ऐसे दूध पी के गाड़ी चलानी है फिर ना उससे बहुत अच्छी चलती गाड़ी। डिब्बू के गिफ्ट का क्या हो गया? मिल गया आईफोन? अरे कब का भाजीपाला के तुरंत गया और लाली उसको उठा के अभी बोला अभी आएगा अब कल तक आ जाएगा फिर देखेंगे। कल ही तो उसका बर्थडे है ना उससे पहले सरप्राइज खाना तो देखेंगे वो बोला ना मंगा के रखता और फिर उसके बाद में लेके जाओ तो एडवांस दे के आया मैं। पर मिलेगा ना पक्का कल? अब देखते ना मिलेगा ना। हो गया मेरा प्रैक्टिकल और देखो मुझे लेने के लिए कौन आया है। मम्मी कितनी सुंदर लग रही है मम्मी टीचर लग रही है ना मेरी मम्मी। और इधर पापा भी आए इधर आओ ना पापा ये देखो पापा और कृष्णा भी आए। तेरे को भी यही कॉलेज में एडमिशन लेंगे बच्चे अपन। बाय पल्लवी बाय बाय। पापा क्या मेरे गिफ्ट का कुछ बंदोबस्त किया कि नहीं आपने? मम्मी बताओ ना और पापा को कुछ। पापा से कुछ नहीं होने वाला। अरे चल तेरे को घर पे ना मैं एक सरप्राइज देता बस। क्या तू चल तो सही घर पे। अब बताओ ना सरप्राइज क्या है। घर पे चल के देख। मतलब कुछ तो भी सरप्राइज है। यस 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 यस। पापा घर पे वो बलून डेकोरेशन का सरप्राइज तो नहीं है ना? मतलब वही है। तेरे माँ को बोल। तेरे माँ ने ही कराया सब। मम्मी पहले कैसे पता चल जाता तुम लोगों को? अरे मम्मी यार बलून डेकोरेशन नहीं चाहिए मेरे को गिफ्ट्स चाहिए गिफ्ट्स। गेस कर क्या देने वाले? देख बच्चे सब कुछ दे लेकिन चॉकलेट लाके मत दे। चॉकलेट दे नहीं देने वाला। ठीक है चलेगा तेरे हिसाब से दे दूँ ठीक है। देखती हूँ ना मेरे लिए क्या सरप्राइज है। चलो ऊपर चलते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये है तेरा थर्ड गिफ्ट। थर्ड गिफ्ट अभी बाकी के बचे हैं। क्या पापा डायरेक्ट थर्ड? सेकंड शाम को। अच्छा ठीक है चलेगा। पापा सिर्फ केक कट करके नहीं चलेगा? अरे नहीं तू अभी जा तू मस्त रेडी हो जा फ्रेश हो जा तू रेडी हो जा। आज तेरा ना मिनी बर्थडे सेलिब्रेशन ही है। हाँ हाँ प्री बर्थडे। हाँ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन ही है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना मेरे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन पे वो जो ब्लू वाला गाउन है ना वो वाला पहनूंगी क्योंकि वो जो न्यू वाला ब्लैक गाउन है ना वो मैं अपने बर्थडे पे पहनने वाली हूँ। कहाँ है वो आप? क्या कर रहे हो? तेरे को प्रॉब्लम है क्या? कब से आवाज दे रही हूँ आपको? गिफ्ट का है? कौन सा गिफ्ट? शिबू को देने का है वो। अरे कौन सा? आईफोन। आज भी आपसे लाना नहीं हुआ ना? इसमें आईफोन नहीं है। नहीं ये खाली है। है ना देखना ठीक से देख है ना इसमें आईफोन है ना दिख रहा नहीं क्या?
देखो इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या है? इसमें है ना आईफोन, है ना इसमें, ये क्या निकला ना आईफोन? कब लाया आपने? सच में आईफोन है ये? पुराना तो काफी हेवी है। वाह, फिर कब गए थे आप? मेरा काम है ना पहले बार में हो जाता, तुम्हारे जैसे नहीं, चार चक्कर मारना पड़ता। ठीक है, तुम बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा क्या पर्पल कलर फेवरेट है उसका? हम उसे खोल ले तो गिरा देंगी। नहीं देखने दो मुझे कैसे है। वाओ, वो रील में ऐसे खोलते वही है ना ये? हाँ। पर मैं नहीं खोलूंगी, डिब्बू खोलेंगी उसका देखते। प्यारे पुत्र आजा कृष्णा, तू भी आ। क्या है अभी देने वाले? ओपन करने का अपने को उसको। हाँ ओपन कर देगा, चल ओपन कर, स्माइल करके ओपन करने का। क्राउन ठीक कर पहले। अरे मैं क्राउन में ठीक करूंगा। अपने को ओपन करने का अपन, चल सब। आपके बिना ये नहीं हो पाता। ओपन कर दो। ओपन कर, ओपन कर। सबसे बेस्ट गिफ्ट है।
अरे मैं भी कर रहा हूं। हां तू भी कर। तू भी इमोशनल हो जा थोड़ा सा। हमारे सबके तरफ से तेरे को आईफोन। लाखों लोग तेरे वीडियो देख के स्माइल करते, तो हम भी उसमें ना थोड़ी बहुत मेहनत कर ही सकते, ठीक है? हाँ। चालू कर दिया देख मैंने। मेरे को लगा तेरे को जमेगा नहीं। जमेगा। चलो हम तीनों फर्स्ट, चारों फर्स्ट सेल्फी निकालते हैं। आजा चिंकू। तो मेरे न्यू फोन में फर्स्ट सेल्फी पूरे फैमिली के साथ लेते हैं। आजा चिंकू। तो पापा ने मुझे ये गिफ्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू। इसने मुझे सुबह बोला था कि इतने को है ना आईफोन देने वाले, मेरे को लगा ऐसे ही मजाक में बोल रहा होगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मेरा और चिकू बीबी का बर्थडे है, तो आप सब लोग बस वेट करना कल का। कल तो एकदम धूम मचा देंगे, और कल रामनवमी भी है, तो जय श्री राम भी लिख देना कमेंट में, ठीक है? बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल द विशेस। थैंक